इस वक्त हम मौजूद हैं भागृती विहार की गली नंबर 13 में। हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर रजा साहब, जो यहाँ के मकामी हैं, पिछले काफी समय से यहाँ पर रहते हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। बताया जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। अख्तर रजा साहब, क्या वाकयात गुजरे, क्या कहना है ऐसे मौके पर? वाकयात तो इतने भयावह और ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिल गए कि शायद अगर इस तरीके से देश को चलाना चाहेंगे तो ये देश चल नहीं सकता। मेरे खुद के 3 मकानों में बुरी तरीके से आगजनी करी गई है, मार के भगाया गया है। बस ये है कि आपके सामने खड़े होकर बयान दे रहे हैं, अल्लाह ने, भगवान ने जान बचा दी है। और बुरी तरीके से दंगाइयों ने लूटपाट करी है, हमारी नजरों में है दंगाई जिन्होंने लूटपाट करी है। बाई नेम जानते हैं, बाई फेस जानते हैं, लोग वाक शिकायतें दे के जा रहे हैं मुझे। भागीरथी विहार ब्रजपुरी की पुलिया से लेके और जो मेन नाला रोड है यहां से लेके और लोनी के टोल टैक्स तक कम से कम 22-23 मुसलमानों के घर हैं। हर मकान में आइडेंटिफाई करके आग लगाई गई है। लोकल के दंगाई हैं, बाहर के उनके लोग साथ हैं, आइडेंटिफाई वो करवा रहे हैं मेरी आंखों के सामने, आग दूसरे लगा रहे हैं। मतलब इसमें सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए दंगाइयों के विरुद्ध, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का है। अगर कोई हिंदू भाई मारा काटा सताया गया है और अगर वो किसी दंगाई का नाम जानता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यही सरकार से, अपनी भारत सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि न्याय दें, जो पीड़ित है उन्हें न्याय मिलना चाहिए, हर हाल में न्याय होना चाहिए, इस तरीके से देश नहीं चलेगा। तो ये थे अख्तर साहब, जिनका ये कहना है कि यहाँ के मकामी लोग जो थे, जो आइडेंटिफाई करा रहे थे मुसलमानों के मकानों को, उनकी दुकानों को, और दंगाई बाहर से बुलाए गए थे, जिनके हाथ में पेट्रोल बम और इसला थे, इन्होंने लाख कोशिश की कि ये पुलिस वालों को कॉल करें, लेकिन पुलिस वालों की तरफ से इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अभी भी इनका ये कहना है कि इन्होंने अपने जान माल के नुकसान की पुलिस में को संज्ञान मिला है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है और ये दंगा रुकना चाहिए। हालांकि इनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन इनकी सीधी सीधी शिकायत सरकार से है कि ये जो दंगे हुए इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। कैमरामैन संजॉय के साथ बिलाल सबजौरी, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली।